तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा वाइट। तो गाइज अभी मेरे पास आप लोग के लिए एक अपडेट है जो कि है सौरव जोशी व्लॉग्स एंड नियॉन मैन के बारे में। तो गाइज अभी मैं इन दोनों के बीच में एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है। दरअसल कुछ दिन पहले नियॉन मैन ने गोरा व्लॉगर की एक स्टोरी कवर की थी जहाँ पे गोरा व्लॉगर उनके सोसाइटी के बाहर उनसे मिलने के लिए गए थे, बट सौरव जोशी अपने सोसाइटी से बाहर तो आए बट उनसे मिले नहीं। तो इसी चीज की न्यूज नियॉन मैन ने अपने वीडियो में दी थी। तो ये चीज सौरव जोशी को पसंद नहीं आई और उन्होंने नियॉन मैन को इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया। एंड सौरव जोशी ने सिर्फ नियॉन मैन को ही नहीं बल्कि न्यूज दिनेश टॉक्स एंड मनोज दे को भी कुछ इसी टाइप के रीजन के वजह से ब्लॉक कर दिया है। एंड सौरव जोशी ने नियॉन मैन के वीडियो में कुछ ये कमेंट किया, सेम ऑन यू नियॉन मैन, किसी ने व्यूज के लिए कुछ भी बोला तो तुमको न्यूज मिल जाती है, वो भी व्यूज के लिए ही। जाके मेरा व्लॉग देख लो, मैं मम्मी को हॉस्पिटल से लेके आ रहा था डेंटिस्ट के पास से, मम्मी को बहुत पेन हो रहा था उस टाइम पे, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है, मैं क्यों रुकूं जब मैंने मना किया है सोसाइटी के बाहर आने के लिए, वीडियो ऑन रखने के लिए। अगर कोई एक्चुअल में मेरा सब्सक्राइबर है, मुझे फॉलो करता है तो वो समझेगा और मेरी बात मानेगा कि मैंने सोसाइटी के बाहर आने के लिए मना किया है, ये सब बस व्यूज के चक्कर में आते हैं बस। उस पर नियॉन मैन ने कुछ ये रिप्लाई दिया, सेम ऑन यू फॉर नॉट नोइंग न्यूज रिपोर्टिंग क्या होता है, अगर कुछ गलत है तो यू कैन क्लेरिफाई इट, जैसे आपने यहाँ लास्ट पैराग्राफ में किया। एंड इसके बाद नियॉन मैन ने अपनी वीडियो में भी कुछ बोला है, तो आइए वो वाली क्लिप में आपको दिखा देता हूँ। पर उन्होंने जो ये लाइन लिखा उसके ऊपर मैं भी रिप्लाई देना चाहूंगा। सो फर्स्टली सौरव जोशी ने यहाँ मेरे अगेंस्ट ये लिखा कि मैं व्यूज के लिए यहाँ न्यूज दिया था। तो भाई ऑफ कोर्स यार, यहाँ पे सारे यूट्यूबर्स जो प्लेटफॉर्म में वीडियोस अपलोड करते हैं वो व्यूज के लिए करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, वो यूट्यूब के सर्वर्स को भरने के लिए खाली ऐसे ही वीडियोस अपलोड नहीं करते। सो जैसे कि आप व्यूज के लिए व्लॉग्स अपलोड करते हो, वैसे ही मैं व्यूज के लिए न्यूज कंटेंट अपलोड करता हूं। देन आपने जो मेरे को यहाँ शेम ऑन यू कहा है, दिस मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। इट्स लाइक कि मैं आपको बोल रहा हूँ शेम ऑन यू फॉर मेकिंग व्लॉग्स फॉर व्यूज। जैसे कि आपका काम है व्लॉग्स अपलोड करना, वैसे ही मेरा काम है न्यूज अपलोड करना, इट्स माय जॉब। नाउ गाइस, एक बार आप मेरे पोजीशन में आके एक चीज सोचो, अगर कोई यूट्यूबर के अगेंस्ट एक वीडियो बनता है एंड आप उस न्यूज को कवर नहीं करते हो, तो फिर लोग आपके अगेंस्ट कमेंट करते कि भाई तूने न्यूज कवर नहीं किया, तू सौरव जोशी की तरफ बायस्ड है। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ये न्यूज को कवर कर लूं तो भाई क्रिएटर से कुछ ऐसा कमेंट मिलता है आपको। तो भाई अब आप ही बताओ मेरे को करना क्या चाहिए इस केस में, दोनों तरफ से मेरा ही गलती है क्या? एंड गाइस, दिस इज नथिंग न्यू, साथ भी हुआ था, पहले मेरा उनके साथ अच्छा बातचीत था, फिर अचानक से ही अनफॉलोड मी। और सौरव भाई, आपको याद होगा इंस्टाग्राम पर आपने मेरे को कुछ मैसेजेस भेजे थे कुछ महीनों पहले, अभी तो मैं उसको यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, रिस्पेक्टिंग योर प्राइवेसी, बट अगर आगे जाके मेरे को क्लैरिफाई करना पड़े तो भाई मेरे को दिखाना ही होगा। एंड अगर आपको मुझे कुछ रिप्लाई करना है तो मेक श्योर आप पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई करें। तो या बस इतना ही फॉर नाउ, अभी मेरे को पता है मनोज दे की तरह मेरे को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा इंस्टाग्राम से, एंड इफ दैट हैपेंस आप लोगों को सौरव जोशी का मैच्योरिटी लेवल दिख जाएगा क्लियरली। एंड जैसे ही नियॉन मैन ने अपना रिप्लाई दिया तो सौरव जोशी ने अपने कमेंट को डिलीट कर दिया। एंड ये सब चीज देखने के बाद मनोज दे ने भी इस पर रिएक्शन देते हुए कुछ ये लिखा, जब सौरव के साथ मेरा ये इंसिडेंट हुआ था भाई, कसम से बता रहा हूँ बहुत ही हर्ट हुआ था मेरे को, आंख से आंसू तक निकले हैं, जिसको एक अच्छा दोस्त मानता था विदाउट एनी रीजन मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने कितना कॉन्टेक्ट करने का ट्राई किया बट उन्होंने मेरे से बात नहीं की, वो मुझे डायरेक्ट बोल सकते थे कि प्यूस एटीट्यूड किंग वाला थंबनेल को हटा दो, बट नहीं, सीधा उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया, वो सिर्फ बड़े क्रिएटर के साथ ही दोस्ती रखना चाहते हैं, हम उनकी औकात के बराबर नहीं है, जाने दो, पब्लिक को सब समझ में आता है, भगवान सबका भला करे। तो गाइस ये थी पूरी कॉन्ट्रोवर्सी, आप लोग को क्या लगता है मुझे कॉमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। एंड अगर आपके पास भी कोई न्यूज आती है तो आप उसे मुझे न्यूज सबमिशन में भेज सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।